नमस्कार, सांजना चार वागी रहा है। आप जोई रहा गुजरातनी नंबर वन न्यूज चैनल जी चोवीस कलाक। हूँ जनक। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी कमलम्बा हाल में प्रेस कॉन्फ्रेंस करी। भाजपा प्रदेश प्रमुख सी आर पाटिल पर हाजिर रहा। खेडूतों की चिंता कर कृषि कायदाओ मंजूर कर आवनारा दिवस में खेडूतों ने लाभ मळशे। कांग्रेस खेडूतों ने गैरमार्गे दौरे छे। सरकार बिल लावी त्यारे कांग्रेस नु नेतृत्व संसद में गायब हतु। खेडूतों पासे हवे आजादी छे, इच्छे त्या वेची सके छे माल। स्मृति ईरानी राहुल गांधी पर प्रहार करता कहू कि राहुल गांधी हमेशा संसदीय प्रणाली भंग करे छे। डॉक्टर मनमोहन सिंह सरकारे लावेला बिल ने पण तेमणे फाड्युं हतुं। राहुल गांधी सोफावाळा ट्रेक्टर में फरी रह्या छे। हाथरस में जातिगत रमखाण थाय प्रेसना मध्यम थी सामे आव्युं छे। हाथरस मामले मंत्रालय रिपोर्ट मंगाव्यो छे। जो कोई अधिकारी पण जवाबदार हशे तो पगला पण भराशे। देश के 74 साल आजादी के इसमें मात्र देश का किसान ही मजबूर था कि उसे एक ही जगह जाकर कुछ लाइसेंस व्यापारियों को अपनी फसल बेचनी पड़ती थी। संसद के सत्र में जो कृषि बिल पारित हुए उसकी वजह से आजाद हिंदुस्तान में पहली बार देश का किसान सही मायने में आजाद हुआ। अब देश के किसानों के पास ये आजादी है कि वो राष्ट्र के किसी भी प्रदेश में, किसी भी शहर, गांव, व्यक्ति अथवा संगठन को अपनी फसल बेच सकते हैं। किसान अपनी फसल किसको कितने में बेचेगा इसका निर्णय किसान स्वयं लेगा। लेकिन किसान को बिचौलियों से आजाद होते देख कांग्रेस का नेतृत्व तिलमिला उठा, क्योंकि वर्षों वर्ष किसान को बिचौलियों के सम्मुख बांध के रखकर ही कांग्रेस की राजनीति चलती आई है। देश के 74 साल आजादी के इसमें मात्र देश का किसान ही मजबूर था कि उसे एक ही जगह जाकर कुछ लाइसेंस व्यापारियों को अपनी फसल बेचनी पड़ती थी। संसद के सत्र में जो कृषि बिल पारित हुए उसकी वजह से आजाद हिंदुस्तान में पहली बार देश का किसान सही मायने में आजाद हुआ। अब देश के किसानों के पास ये आजादी है कि वो राष्ट्र के किसी भी प्रदेश में, किसी भी शहर, गांव, व्यक्ति अथवा संगठन को अपनी फसल बेच सकते हैं। किसान अपनी फसल किसको कितने में बेचेगा इसका निर्णय किसान स्वयं लेगा। लेकिन किसान को बिचौलियों से आजाद होते देख कांग्रेस का नेतृत्व तिलमिला उठा, क्योंकि वर्षों वर्ष किसान को बिचौलियों के सम्मुख बांध के रखकर ही कांग्रेस की राजनीति चलती आई है। इंसोफार एज ए क्वेश्चन अबाउट वेदर कोई दंगा फैलाने का काम कर रहा है, ये प्रेस के माध्यम से सुनिश्चित हुआ है कि लोग चाहते हैं कि जातिगत दंगा भड़के। मेरा विश्वास है कि उत्तर प्रदेश की जनता और देश की जनता इस प्रकार की पॉलिटिकल टेंडेंसीज को अपना समर्थन नहीं देगी। एलआरडी पुरुष उम्मीदवारों कमलम पहुंचा छे। कमलम बहार न्याय अपवानी मांग साथे हल्ला बोल कर गया छे। एलआरडी पुरुषों बैठकों वधारवानी मांग करी छे। कमलमी बहार आप जोई शको छो। एलआरडी पुरुष उम्मीदवारों तेमने अन्याय थयो छे, न्याय मळवो जोईए, बैठकों वधारवी जोईए। जे रीते महिलाओं ने न्याय मळ्यो छे रीते एलआरडी में पुरुषों ने न्याय मळवो जोईए। सतत आ रीते आ लोको हल्ला बोल करी रह्या छे। जस्टिस एलआरडी मेल बंधारणनो अमल करो। आ बात ने लईने एलआरडी पुरुष उम्मीदवारों विरोध व्यक्त करी रह्या छे। सतत तेमनी मांग छे कि जे रीते एलआरडी में महिलाओं ने ये लाभ मळ्यो ए लाभ पुरुषों ने पण मळवो जोईए।
न्याय करो, तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। वी वांट जस्टिस, वी वांट जस्टिस, समझ करो, वी वांट जस्टिस, वी वांट जस्टिस। कलम खाते शिक्षित बेरोजगारों ने लाडी उम्मीदवारों से पहुंचे थे, मांगनी साथ रजूआत करवा पहुंचा है। मेल उम्मीदवारों से जो अहीं पहुंचे हैं उनसे बात कहीशू, शू मांगनी लेने आया जो हमारी फक्त एक एवज मांगनी है कि जम स्त्रीओ की संख्या में वारो करे एम पुरुषों की संख्या में 33-67 रेशिया प्रमाण बंधारण कारण वारो करे, एज हमारी फक्त मांग है। केम अहीं रजूआत करवा आया लोगों ने खाली निमणूक ज बाकी है, सरकार अमरी समूह ध्यान देती नहीं, एट मेहरबानी करीने सरकार अमे खाली जाण करवा मांगी छे, अमे लोगों ने न्याय आपो। जी बात करी बंधारण नो अमल करवाना सूत्रों साथे तेओ अहीं पहुंचा है, तमाम उम्मीदवारों ने निमणूक आपवामां आवे। एक तरफ कमलम खाते बैठकों दौर चाली रह्यो छे, पेटा चूंटणी तैयारी थई रही है, समय एलआरडी की भर्ती में पुरुषों ने जो अन्याय थयो छे तेनी मांग साथे अहीं तमाम उम्मीदवारों पहुंचा है और कमलम की बार धरना करी रह्या छे। कारण अक्षय साथे ब्रिजेश जोशी, जी मीडिया, गांधीनगर। पंचमहाल गोगंबा में दीपड़ा हुमला सिलसिलो यथावत है। वाव कुल्ली गाम में दीपड़ाए एक बाड़क पर हुमलो कर्यो छे, बाड़कना परिवारजन बुमाबूम करता दीपड़ो भाग्यो हतो। बे दिवस पहला ज गोया सुंडल गाम में दीपड़ाए हुमलो कर्यो हतो, दीपड़ा ने पकड़वा पांजरा गोठवाया। रामेश्रा गाम में पण एक मकान की छत पर दीपड़ो बेसी रह्यो हतो। वाव कुल्ली गाम में दीपड़ाए बाड़क पर हुमलो कर्यो छे, परिवारजन बुमाबूम करता ज आ दीपड़ो आखरे त्यांथी भागी गयो छे। जयेंद्र अमारी साथे जोड़ाई गया। जयेंद्र, दीपड़ा सतत हुमलाओ करे छे, पाछो दीपड़ो देखाई रह्यो छे, आ विस्तार में शू परिस्थिति? बिल्कुल जनक परिस्थिति ने जो आ विस्तार की अंदर बात करिए तो जो स्थानिक लोग है खूब गभराया है, कारण के छेल्ला 3 महीना थी जो दीपड़ा है तेना हुमलाओ मानव विस्तार की अंदर सतत वधी रह्या छे। खास कर थोड़ा दिवसों पहला जो बाड़क है तेने दीपड़ो खेंची गयो हतो, मौत निपजू हतु, त्यारे अन्य केटलाक जे बाळको छे तेमनी पर हुमलो करवानी घटनाओ बनी छे। महिलाओने गंभीर रीते दीपड़ाओ घायल कर्या छे, एटले चोक्कसथी कही शकाय के आ विस्तार की अंदर जो मानवभक्षी दीपड़ो छे ते सतत हुमलाओ करी रह्यो छे। गोगंबा विस्तार की अंदर एक मकानना धाबा पर पण दीपड़ो रात्रे जोवा मळ्यो हतो, घणी मोड़ी रात सुधी जे दीपड़ो छे आ धाबा पर जोवा मळ्यो हतो, वन विभागे तेने पगाड्यो हतो। त्यारबाद वन विभाग द्वारा पांजराओ मुखी जंगल विस्तार की अंदर दीपड़ाओ ने पकड़वानी कामगिरी हाथ धरवामां आवी छे, परंतु दीपड़ो जे मानव पक्षी छे ते हजु पांजरे पुराया नथी। अत्यारे लोको एटला परेशान छे के नौकरी धंधे जवानो पण छोड़ी रह्या छे ने घरमां बेसीने पोताना परिवारने जे दीपड़ो छे तेनाथी रक्षा करवा पर। बिल्कुल बिल्कुल आभार जयेंद्र। तो आखिर बाळकना परिवारजन बुमाबूम करता दीपड़ो भाग्यो छे, बे दिवस पहला पण दीपड़ा अहींया हुमलो करे तो दीपड़ानो आतंक फरीथी ग्रामीण पंथकों में जोवामां आवी रह्यो छे। હવે વાત નરાધમોને ફાંસી આપવાની। મહીસાગરના સંતરામપુરમાં દુષ્કર્મની વધુ એક ઘટના સામે આવી। 14 વર્ષની કિશોરીનું અપહરણ કરી બળાત્કાર કરાયો, કાકીએ જ પત્રીજીને હવસકોરોના હવાલે કરી હતી, કાકીએ નોકરી લાલચ આપી અપહરણ કર્યું, પત્રીજીને અપહરણ કર્યા બાદ યુવાનને સોંપી દીધી, યુવાને વારંવાર કિશોરી સાથે આચર્યો દુષ્કર્મ। સંતરામપુર પોલીસે કાકીની ધરપકડ કરી છે, દુષ્કર્મ કરનારા આરોપીની ધરપકડ કરવાના પ્રયાસો થઈ રહ્યા છે। મહિલા આયોગના આદેશથી જિલ્લાની ટીમ પીડિતા પાસે પહોંચી નાદી અદાલતના ડિસ્ટ્રિક્ટ કોર્ડિનેટરે પીડિતાની વાત સાંભળી ન્યાય માટે કાર્યવાહી કરાશે તેવી ખાતરી પણ અપાઈ છે। ગુજરાતમાં ફરીથી આ ચિંતાજનક રીતે આ આંકડાઓ વધી રહ્યા છે અને ગુજરાતમાં પણ છેલ્લા 7 દિવસની અંદર દુષ્કર્મની ઘટનાઓ વધી છે। આ પરિસ્થિતિની વચ્ચે મહીસાગરના સંતરામપુરમાં જે ઘટના સામે આવી છે એ અનેક સવાલો ઉભા કરી રહી છે। સંતરામપુર વિસ્તારની અંદર જેમ રીતની ઘટનાના જે પડદા હતું શાંત નથી પડ્યા, ત્યાં ફરી એકવાર 14 વર્ષની કિશોરી ઉપર અપહરણ તેમજ બળાત્કારની ફરિયાદ નોંધાઈ છે, ત્યારે સંતરામપુર વિસ્તારમાં તેની કાકી દ્વારા જ જે ભત્રીજી હતી તેનું અપહરણ કરી અને એક બચાવનો યુવાન હતો તેને સોંપવામાં આવી હતી, ત્યારે કાકી દ્વારા ભત્રીજીને પૈસા અને નોકરીની લાલચ આપવામાં આવી હતી અને ત્યારબાદ જે યુવતી જે કિશોરી હતી તેને યુવાનને સોંપવામાં આવી હતી, યુવાન ઉપર યુવાન દ્વારા વારંવાર કિશોરી ઉપર બળાત્કાર ગુજારાની ફરિયાદ સંતરામપુર પોલીસ સ્ટેશને નોંધાઈ છે, ત્યારે સંતરામપુર પોલીસ દ્વારા તો આખરે ગુજરાતમાં બળાત્કારની ઘટનાથી હાહાકાર મચી ગયો છે અને આ પ્રકારની ઘટનાઓથી અનેક સવાલો ઉભા થઈ રહ્યા છે। અલ્પેશ અમારી સાથે જોડાયા। અલ્પેશ, હવે શું ઘટનાક્રમ સામે આવી રહ્યો છે, કારણ કે કાકીની ખુદ સંડોવણી છે? જી બિલકુલ, એના તો વાત કરીએ તો
जे संतरामपुर नगर नी अंदर गैंग रेप नी घटना बनी हती तेना पड़का शांत नथी पड्या। त्यां फरी एक वार एक किशोरी उपर दुष्कर्म नी घटना सामे आवी छे। त्यारे वात करे तो आ घटना नी अंदर खुद काकी ए ज आजे पोतानी भत्रीजी हती तेने पैसा तेमज नौकरी नी लालच आपी अने बचाव एक गाम नी अंदर एक युवान ने सौंपी हती। त्यार बाद युवाने आ भत्रीजी नी साथे वारंवार जे दुष्कर्म हतुं ते गुजार्यो हतो। समग्र जे किस्सो छे ते भत्रीजी संतरामपुर आवी त्यारबाद तेना पिता ने आपवीती जणावे छे। त्यारबाद तेना पिता अने परिवार द्वारा आ तेनी काकी तेमज जे दुष्कर्म करनार युवान छे तेनी विरुद्ध फरियाद नोंधाई हती ने पुलिस संतरामपुर पुलिस द्वारा गणतरीना कलाकोनी अंदर काकीनी धरपकड करी अने जे बचावनो आरोपी छे तेने पकड़वाना चक्रो गतिमान कर्या छे। जी जनक, પરંતુ સવાલ એ છે કે આરોપી હજુ સુધી પકડાયો નથી તો આભાર અલ્પેશ, સવાલ એ છે કે હજુ પણ આ ઘટના પ્રકાશમાં આવ્યા બાદ હજુ પણ આરોપીઓ સામે તાત્કાલિક પગલાં લેવાય, ફાંસી અપાય એવી સ્થાનિક લોકો અને આમ જનતાની પણ માંગ છે। રાજકોટમાં રેમડેસિવિર ઇન્જેક્શન વધુ એક કૌભાંડ સામે આવ્યું છે। ન્યૂ આઈડિયલ એજન્સી સંચાલકની પોલીસે ધરપકડ કરી છે। પરેશ લક્ષ્મણ ઝાલાવાડિયાની धरपकड़ करी आनंद क्लिनिक ना नामे बोगस बिल बनाव्या। डॉक्टर आनंद चौहान क्राइम ब्रांच में फरियाद नोंधावी आरोपी रेमडेसिविर 24 नंगना नकली बिल बनाव्या। रेमडेसिविर इंजेक्शन की काळाबजारी फरीथी हाल में सामे आवी छे। न्यू आइडल एजेंसी छे एमना द्वारा एमना कंपनी ना नाम नो 24 रेमडेक 100 mg ना इंजेक्शनोनू खोटू बिल बनावेल छे। खरेखर एमने आ प्रकारना कोई इंजेक्शन खरीदेला नथी के एमने मळेला पण नथी। जे बाबते नी तपास फूड एंड ड्रग्स कचेरीना अधिकारीओ द्वारा पण करवामां आवेली अने एमनी तपासमां पण आ कौभांड बहार आवेलू। न्यू आइडल एजन्सीना मालिकनी पूछपरछ करी અને એની ગુનામાં પ્રાથમિક રીતે પણ એની સંડોવણી હોય અને ખોટું બિલ બનાવી એમનો સાચા તરીકે ઉપયોગ કરેલો હોય જેથી એમના વિરુદ્ધમાં ડીસીબી પોલીસ સ્ટેશનમાં ગુનો રજીસ્ટર કરવામાં આવેલો છે। આ સિવાય એમણે આ કંપનીએ કુલ 2300 જેટલા ઇન્જેક્શનો ખરીદેલા હતા, એ પૈકી એમના 168 જેટલા બીજા પણ ઇન્જેક્શનોનો જે વ્યવહાર છે એમના બિલો પણ અમારી પ્રાથમિક તપાસમાં શંકાસ્પદ જણાઈ આવેલ છે। એશિયાની સૌથી મોટી બનાસ ડેરીની ચૂંટણીમાં વધુ બે બેઠકો બિનહરીફ થતા શંકર ચૌધરીની પેનલ વધારે મજબૂત થઈ ગઈ છે। ડેરીની કુલ 16માંથી 9 બેઠકો પહેલેથી જ બિનહરીફ હતી, હવે બે બેઠકો એટલે 11 થઈ છે ટોટલ। આ બંને બેઠકો થરાદ બાબરની બેઠક છે। થરાદની બેઠક પર સાંસદ પરબત પટેલના પુત્રએ ફોર્મ ભર્યું હતું। બનાસ ડેરીમાં શંકર ચૌધરી દબદબો વધ્યો છે, તેઓ ફરીથી ચેરમેન પદે ડેરીનું સુકાન સંભાળે તે સ્પષ્ટ થઈ ચૂક્યું છે। નિયામક મંડળની 16 બેઠકમાંથી વધુ બેઠકો બિનહરીફ થઈ ચૂકી છે, તો 9 તો ઓલરેડી અગાઉ થઈ ચૂકી હતી અને હવે 2 એટલે 11 લગભગ શંકર ચૌધરીની જીત ફાઇનલ થઈ ચૂકી છે। અલ્કેશ રાવ જોડાઈ ગયા છે। અલ્કેશ, લગભગ 2 બેઠકો પણ બિનહરીફ, મતલબ કે શંકર ચૌધરીનો દબદબો ફરીથી વધુ મજબૂત થઈ ગયા છે। બનાસ ડેરીની ચૂંટણી આવી હતી ને ચૂંટણીને લઈને રાજકીય ગરમાવો પણ થયો હતો, પરંતુ હવે શંકર ચૌધરી છે તે કદ્દાવર નેતા છે ને તેમનો દબદબો છે તે યથાવત છે। અગાઉ ચૂંટણીની જે ફોર્મ ભરવાની અંતિમ તારીખ હતી ત્યારે જ 9 બેઠકો હતી તે બિનહરીફ થઈ હતી ને હવે 16માંથી ફરીથી 2 બેઠકો એટલે કે થરાદ અને ભાવરની જે બેઠકો પરથી જે હરીફ ઉમેદવારો હતા તેમને ફોર્મ પાછા ખેંચતા આ બંને બેઠકો ઉમેદવારી જે હતા તે બિનહરીફ થયા છે। તેમાં સાંસદ પરબતભાઈ પટેલ થરાદ બેઠક પરથી બિનહરીફ થયા છે ને બાબરમતી ચામતા અમરાભાઈ ચૌધરી છે તે બિનહરીફ થયા છે। એટલે મહત્વની વાત એ છે કે 16માંથી 11 બેઠકો છે તે બિનહરીફ થઈ ચૂકી છે અને આ તમામ જે લોકો છે તે શંકર ચૌધરીના ફેવરમાં છે, એટલે ફરીથી શંકર ચૌધરી બનાસ ડેરીની સત્તા પર સત્તારૂઢ થાય તે સ્પષ્ટ છે અને શંકર ચૌધરી જ હવે બનાસ ડેરીની કમાન સંભાળશે। બિલકુલ બિલકુલ આભાર અલ્કેશ, તો આખરે શંકર ચૌધરી ફરીથી બનાસ ડેરીનું સુકાન સંભાળે પૂરેપૂરી શક્યતાઓ છે। બનાસ ડેરીની ચૂંટણી મોકૂફ રાખવાની ગુજરાત હાઈકોર્ટમાં થયેલી પિટિશન ગુજરાત હાઈકોર્ટે ફગાવી છે। બનાસ ડેરીના વાઇસ ચેરમેન માવચી દેસાઈએ ચેરમેન શંકર ચૌધરી સામે પિટિશન કરી હતી અને આખરે આ પિટિશન ગુજરાત હાઈકોર્ટે ફગાવી છે।
एक तरफ 11 बैठक बिनहरीफ थी है बनासकांठा की और शंकर चौधरी लगभग त्यां फाइनल थी चुक्या है एमनी फरीथी एमनी जीत फाइनल है। आ परिस्थिति वच्चे हाईकोर्टे फगावी अरजी।